नालकोरे कार्यरत श्री खगेन सामल को पत्नी संगीता सामल और पुओ तपन सामल काली रात्रि बलराम प्रसाद को जने संपर्कियों को देह खराब थिबारु देखिबा को जाइथिले एवं राति प्राय 9:15 बेळकु नालको क्वार्टर को फेरुतबा बेळे नालको कॉलोनी गेट रे कॉलोनी सिक्युरिटी दायित्व रे थिबा ग्रुप 4 सिक्युरिटी गेट भीतर को छाडी नथिले सिक्युरिटी तंगो गेट पास मागिले किंतु नालको कर्मचारी को परिवार को केउनोसी पास दिया जाय नाही माँ को सामने रे पुओ को कहिले आमे भीतर को छाड़ू नाही कौन करुछ कर एही परी जुक्ति तर्क हेबारु प्राय 30 जन ग्रुप 4 कर्मचारी पुओ को गेट भीतर को टाणी नहीं पिटिले मुंडो को फटाई लहुलुआन कले गोड़ को बाड़े बाड़े जखम कले माँ संगीता को छाती को जाणी सुनी हाथ में ठेली ठेली असभ्य भाषा कही तले पकईदे और तांको मोबाइल को मध्य भांगिदे एत सबू पर भी नालको अधिकारी और पुलिस एपर्तंत चुप कहीं रही बड़ प्रश्न सेंट्रल मार्केट गिरांगिर जगह आसलु तरह से जी फोर गले कि पास देखा आ कहूँ मुझे कहे हूँ ठीक अच्छे बापा को डाकि दौर बापा भी घर अच्छा बापा आसला पलूर कार्ड कह तू बे कथा तो कहली जहाँ कर गेट बाहर थी और नालको भी तुम एंट्री करनी तो पर्यटन तार से बाहर को आसिले से बाहर को जो दिज आसे मत कह तू बेस कौन कथबार्ता करती पचार ठाई गोटे चापटे मारे मैं माँ कहे एम व्यवहार करो खराब व्यवहार करो तर कह तू बे मानने स्लांग यूज कल तू बे स्लांग यूज कर मिसबिहेव कहीं करते कह बेस कथ पुणी चापट मारे आउ दिज धर दिज गोटे बाड़ीटे धरिक आसे बाटे जो धरिक आस पीट पीटी तार भी दाग अच्छे माँ को पूरा ठेलीदे आगु आगु जो फेस रु पूरा ठेली देखो गोड़ भी आम इनक्वारी करूँ तो कथार आम इनक्वारी कर तू किए कि तुम्हें जो लोकाल लोक बहुत हईराण कर तुमको गोटे सबाड़ शिखा दरकार बापा को फोन कली तापर राजाराम साहब नंबर भी थी मो पाखे आहरी 15-16 जन फोर्स आड़े पलि आसान मोबाइल माँ को नहीं जाइए आम फोन करदेव आज सुना चेन्टा थी सुना चेन्टा भी टाणी नहीं जाइए मोबाइल फोबाइल भांगीगल तापर मुझे जो गेट पाखे थी कह पाटा सब नाटर सब हम ताक धरिक आगे धर तर मत नालको कलोनी भितर को धरिए जो कलोनीटा अच्छी भितर को भितर को धरिक आए जो 16-17 जन थी तार भी भिड कैमेरा मो पाखे अच्छी जो 16-17 जन समस्ते मारे आरम्भ कर जो माँ माँ को ये करते माँ को भी मट मु माँ को मचेबी ना निजे मचे कि राजाराम सब थी उपस्थित सब देखे आम माँ पु गाँ को जाम डेडसर हार्ट पेसेंट से आम माँ पु देखि जापर राति 9:30 बेलू आम आस आसला गेट सामने जीपुर मागला पु को आईन कार्ड जी पु कहला पाखे ना आम क्वार्टर नंबर आब देखा पुह आड़ कहला ना मोर आम को तो नाको पास देनी आम देखे कौन आउ से तार जो गवर्नमेंट चाकरी करदेला से कार्ड देखेवा को पॉकेट रु बाहर बेलू धक्का मारी स्कूटर स्कूटी पकईदेला आम माँ पु को सड़ मत अभद्र भाषा कहवर मो पु सही न पार्वर मो पु को टाणी नहीं कचारिकिना जहाँ इच्छा ता पिटिले आ मत भी दुर्व्यवहार देख जगार हाथ पड़े ठेलीदे आ मो चेन नहीं गले आ मोबाइल नहीं गले बहुत मो बाल चुट्टी भी घिंचले से जो अभद्र भाषा कहवर कहवर टाणी नहीं पिटिले मोर बड़ भाई हार्ट पेसेंट मो मिसेस मो पु गाँ को जाइए से मिसेस को कहले आम कौन तुम चाकर जे आम तुम पचे पचे जीव कि आम छाड़ पारू ना तुम क्वार्टर पास गोटे दरकार क्वार्टर पास किसी ही ना नालको तरफ प्रोविजन ही ना तेणु तापर मिसेस को जोबले से कहले असह भाषा गाड़ी कर तू हट आउ बाहर सामने ये मो पु पड़ जा फल से उठवा फल एटु जेहेतु जी फोर सब 2-3 जन थे 10-12 जन को डकई करी एटे मो पु को पूरा माड़ी बसिकी मो मिसेस को मो पु को माड़ी बसिकी पूरा लाठीचार्ज कर चलने क्वार्टर रु पैंट सार्ट पिंधिक गला बेलू मो पु को पिटुच्च मो मिसेस मो पु उपर माड़ी बसी मु हठात जा देख ली कौन भाई पिटी पकाचुँ कह फल मो पु कहीं पिटुच कौ अधिकार पिटुच जहाँफल कि
ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ କି ପିଟିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯାହାକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ କାହା ଅଧିକାର ବଳରେ ପିଟିଲେ ସେମାନେ। ଏବଂ ମିସେସଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା, ଯାହାକି ଛାତି ଜାଗାକୁ ଠେଲିକିରି ପୁରା ଠେଲିକିରି ମାଡ଼ି ବସିକିରି ତାକୁ ପୁରା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ମାରି ପକାଇଲେ, ପୁଅକୁ ବି ପିଟିବାକୁ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଟୁଥିଲେ ମୋ ମିସେସ୍ ମୋ ପୁଅକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି, ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ନାଲକୋ କରୋନା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ପୋଲିସ SDPO ସହିତ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ସନ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୁଁ ନାଲକୋ ED ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅନୁଗୁଳରୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।